गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलो काम पे लग जाते हैं। रोज की एक क्लास, इतने सारे वर्ड मीनिंग रोज करवाता हूँ मैं, 27-30 के आसपास, बहुत काफी है ये प्रैक्टिस करने के लिए। और इन्हीं में से ही SSC में CGL CHSL इसी में से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता। पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा ना, हेल्पलेस है। हेल्पलेस का मतलब क्या हो गया? लाचार, बेचारा, किस्मत का मारा, हेल्पलेस हो गया। ऐसे हेल्पलेस होता है, हेल्पलेस हेल्पलेस भी लाचार होता है भाई, किसी को सहायता नहीं कर रहा तो हेल्पलेस है ना वो। ये हेल्पलेस है, SAPLESS, लाचार। सिनोनिम देखो इसके, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, दुर्भाग्यपूर्ण, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेट हो गया। इलफेटेड, इल मीनी बेकार, बीमार, और फेट मीनी भाग्य, बेकार भाग्य वाला। डोम्स डे, डोम बूम होता है ना, बूम बूम क्या करेगा, फटता है बूम, फटता है बूम, तो क्या करता है, तहस नहस कर देता है। यूक्रेन में चल रहा है सब कुछ, तहस नहस हो गया, जनता वहां क्या है, हेल्पलेस है बेचारी वहां की जनता। क्यों? बूम हो रहा है, बमों का बम बूम हो रहे हैं, तो उससे याद कर लेंगे डूम्ड। डूम्ड मीनिंग बदकिस्मत। आफत, आफत आफत का मारा हुआ। और हॉस्टाइल तो क्या होता है, हॉस्टाइल होता है विपरीत, हॉस्टाइल विपरीत, और हॉस्टाइल नफरत भरा भी होता है, नफरत भरा हॉस्टाइल। होस्ट है, ठीक, होस्ट होता है उसकी, होस्ट होता है उसकी बेइज्जती कर दी सबने, ठीक है, उसकी तरफ से नफरत, नफरत से देखने लग गए। क्यों? क्योंकि वो उसने ऐसा कुछ कमेंट कर दिया किसी के ऊपर, होस्ट ने, जो होस्टिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा कि भाई जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं उनमें दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, तो हॉस्टाइल विपरीत नफरत भरा हॉस्टाइल हो गया। एंटोनिम देखो इसके, फॉर्चुनेट का उल्टा क्या हो गया, अनफॉर्चुनेट का उल्टा क्या हो गया, फॉर्चुनेट सौभाग्य वाला, लकी आपको पता ही है। फेवर्ड, FAVOUR, फेवर मीनिंग किसी के सपोर्ट भी होना, तो फेवर्ड सपोर्ट वाला। और सेटिस्फाइड भाई, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी का रिजल्ट अच्छा निकला तो सेटिस्फाइड, तृप्त है ना, तो किसी शिकायत थोड़ी है, हॉस्टाइल थोड़ी है, तो सेटिस्फाइड है। ये इसके एंटोनिम थे। हैफजर्ड, हैफजर्ड का मतलब बेढंगा, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, बेढंगा, अव्यवस्थित होता है हैफजर्ड। एफिजर्ड कैसे याद करेंगे भाई? ब्लिजर्ड आ गया, ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड क्या होता है? ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड मीनिंग तूफान, और तूफान आएगा तो क्या कर देगा, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगा। वो जर्ड आ रहा है, ZARD आ रहा है, ब्लिजर्ड, ARD आ रहा है, ZARD, ZARD, ब्लिजर्ड, हैफजर्ड, हैफजर्ड, ठीक, इससे याद कर लेंगे इसको। और हैप तो आ रहा है, HAP वाला, HAP वाला हैप तो आ रहा है, तो ये नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव वर्ड है। सिनोनिम देखो इसके, रैंडम, रैंडम भी नहीं, कभी कभी होने वाला है ना भाई, हम किसी रूम में गए, किसी किसी समारोह स्थल में गए, वहां पे शादी हो ली, शादी होने के बाद रैंडम कुछ चीजें बिखरी पड़ती है, बिखरी पड़ी रहती है, कभी कभी यहाँ पे कुछ चटाई बिखरी पड़ी है, कभी अगर कुछ तकिए बिखरे पड़े हैं, चेयर बिखरी बिखरी पड़ी है, वो रैंडम हो गया ना, रैंडमली कुछ कुछ बिखरा पड़ा है, वो अस्त व्यस्त हो गया। सडन मीनिंग अचानक, अचानक कोई चीज आ जाए और हमने सोचा ही नहीं है, अचानक कुछ हो जाए तो वो अव्यवस्थित हो गया, हमारे वश में नहीं आए। अनसोर्टेड, अनसोर्टेड भी अव्यवस्थित होता है, हिला डुला। सॉर्ट मीनिंग सॉर्ट आउट करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और अनसोर्टेड बिना सोल किया हुआ, बिना सोल किया मीन्स पजल है, अवस्थित है, अनसोर्टेड। रैकलेस, रैकलेस मीन बेढंगा होता है, रैकलेस ड्राइविंग होती है ना, और रैकलेस राइडिंग होती है, रैकलेस ड्राइविंग और रैकलेस राइडिंग, ये दोनों रैश ड्राइविंग होते हैं, रैश, रैकलेस, बेतुका, बेढंगा, ठीक। रैक, रैक नहीं, रैक आते हैं रैक, सब्जियों के रैक आते हैं, पेप्सी के रैक आते हैं, कोल्ड ड्रिंक के रैक आते हैं, उनको रख रहे नहीं आया, रैकलेस कर दिया,
छोटे नीचे रख दिए, भारी ऊपर रख दिया, वो सीधा हो गया सारा रेकलेस। अगला वर्ड क्या है? हैम्पर। हैम्पर में नहीं होता है रोकना, रुकावट पैदा करना। हैम्पर है, हैम्पर मिनी बाल्टी भी होती है, हैम्पर वर्ब है, तो हैम्पर मिनी रोकना, अवरुद्ध पैदा करना, रुकावट पैदा करना है ना, वो हैम्पर होता है। सिनोनिम देखो इसके, रिटायर्ड। रिटायर्ड आदमी है, क्या करेगा घर पे आके रिटायर होके बैठ के दूसरों का भी दखलबाजी करेगा, रुकावट पैदा करेगा, रिटायर्ड। प्रिवेंट द फायर, प्रिवेंट फायर लिखा होता है, आप रेलवे में कभी सफर करना करा भी होगा उस पर लिखा होता है प्रिवेंट फायर, आग रोकिए। हिंडर, हाइड भी नहीं छुपना, ठीक, हाँ सॉरी, हाइड भी नहीं छुपना, और हाइंडर क्या हो गया, छुपा हुआ, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो रुकावट पैदा कर रहा है काम में, हमें मिल नहीं रहा है वो, हिंडर, हिंडर रुकावट। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग भी बाधा, बाधा वाला, बाधा पैदा करना, बाधा, बाधा डालना, ठीक, ऑब्स्ट्रैक्ट बाधा, रुकावट पैदा करना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट, अब स्ट्राइक की है उसने, अब स्ट्राइक की है, अब स्ट्राइक की है उसने, तो काम में सारा काम बिगड़ गया, सारा काम में बाद रुकावट पैदा हो गई, गलत टाइप स्ट्राइक की उसने, अब स्ट्राइक, अब स्ट्राइक। एंटोनिम देखो इसके, एंटोनिम है इसके, प्रमोट, प्रमोट करना, किसी चीज को बढ़ाना, ऊपर उठाना। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट में होता है आराम पहुंचाना, सुविधाजनक, सुविधा पूर्वक बनाना, फैसिलिटी से फैसिलिटेट बन गया, ठीक है। और एक फेलिसिटेट होता है, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट में नहीं होता है रिवार्ड देना, सम्मान देना, फेलिसिटेट, पुरस्कार बांटते हैं ना स्टेज के ऊपर, वो फेलिसिटेट करते हैं। फोस्टर, फोस्टर में नहीं होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना, और फोस्टर की बीयर भी आती है, बीयर, तो बीयर पी के क्या हो गया वो, अच्छा मोटा तगड़ा हो गया, तो फोस्टर से याद कर लिया। असिस्ट में नहीं तो सहायता करना होता है, हैम्पर भी नहीं रुकावट पैदा करना, असिस्ट भी नहीं सहायता करना, इसका उल्टा याद हो जाएगा। गलती से क्या रह गया हमारे पास, एफ जेड के क्या रह गए, एंटोनिम हमने डिस्कस नहीं किए। देखो डिलीबरेट, डिलीबरेट भी नहीं, जानबूझ के काम किया गया, और एफ जेड भी नहीं, अवस्थित, तो पता ही लगे क्या हो गया, और डिलीबरेट जानबूझ के काम किया गया, लिबरेट है, लिबरेट, डे भाई दिल्ली में रहता है, दिल्ली, ऐसे याद कर लेंगे, और लिबरेट है, लिबरेट भी नहीं, खुले विचारों का आदमी है भाई, कहीं कभी भी कुछ कर सकते, कर देता है वो, अपनी मनमानी करता है, डेलिबरेट जानबूझकर। डेलिबरेट एक्शन क्या होते हैं, तो एकदम से एक्शन हो जाए। कंसिडरेट क्या होता है, सोचा समझा, ठीक, सोचा समझा होता है, आप किसी चीज को कंसिडर में ला रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज के प्रति सीरियस हो, और उस चीज के, उस काम के प्रति, उस चीज के प्रति सीरियस हो, तो आप अच्छी तरह करेंगे, ठीक है, बेढंग, बेतुके ढंग से नहीं करेंगे। कंसिडर्ड का ही थॉटफुल होता है, थॉटफुल, थॉटफुल क्या होता है, सोचा समझा, तो सोच समझ कर कार्य करेंगे, सही करेंगे, और डिसर्निंग, ठीक है, कंसर्निंग होता है, कंसर्निंग, कंसर्न, हम किसी चीज के प्रति कंसर्न है, मतलब उस चीज के प्रति हम सचेत हैं, कंसर्न, डिसर्न, इससे याद कर ले करेक्ट करके, डिसर्निंग मीनिंग क्या होता है, सोच समझ कर किया गया कार्य। नेक्स्ट वर्ड हैगार्ड, हैगार्ड का मतलब होता है थका हुआ, और थका हुआ होता तो क्या है, कमजोर, कमजोर, इनएक्टिव, ठीक। सिनोनिम देखो इसके, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड क्या होता है, घरों में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, गंदी हवा बाहर निकाल देता है, एग्जॉस्ट फैन, ठीक, तो एग्जॉस्ट मतलब चल चल कर पूरा दिन बेचारा फैन थक जाता है, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, रनर है वो, रनर, कभी कहते हैं रनर, रनर भागते भागते थक गया, उसका वो डिहाइड्रेट हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, एग्जॉस्टेड होता है। लीन भी नहीं, पतली बॉडी, पतली बॉडी होती लीन। इमेशिएटेड, इमेशिएटेड भी नहीं, बहुत ही कमजोर होता है, चीसल्ड होता है, चीसल्ड होता है, हड्डियों का ढांचा, चीसल्ड,
इमेशिएटेड कमजोर, गाउट, गाउट होता है, गाउन पहने बहुत कमजोर लग रही है, गाउन मत पहना लड़की तो बहुत कमजोर लगती हो, फिर गाउट याद कर लेगी। उसके बाद इसके एंटोनिम देखो, एग्जुबरेंट, एग्जुबरेंट में क्या है, ये ऊबर निकालो, ऊबर तो उसके बाद तो बहुत पैसा है, हमेशा ऊबर में जाता है, ऊबर में बैठे हुए बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है, तो एग्जुबरेंट का मतलब होता है उल्लासपूर्ण, ठीक, उल्लासपूर्ण, खुश, ये ऊबर से याद कर ले। एक्टिवता को पता ही है, लाइवली, लाइवली क्या होता है, जो हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे, मौज में रहे, और रोबस्ट, रोबस्ट भी होता है मजबूत, मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। रोबरी करते हो, क्या करते हो, रोबरी, रोबरी ऐसी थोड़ी होती है, रोबरी करेंगे तो अटक अट रहना पड़ेगा, है ना, दिल से दिलदार होना पड़ेगा, तो रोबस्ट मजबूत होता है, स्वस्थ, हमेशा स्वस्थ रहने वाला। और रोबर क्या होते हैं, जो लुटेरे डाकू होते हैं, बीमार रहेंगे तो कैसे उनका काम चलेगा, ठीक। अगली होता है घरेलू, सबको पता है घरेलू, साधारण, साधारण, प्लेन, सबको पता है सिनोनिम, प्लेन है, कोर्स है, और अनअडोर्न है, और सिंपल है। अनअडोर्न का मतलब होता है जिसका जिसका श्रृंगार न किया गया हो, अडोर्न भी नहीं होता है श्रृंगार करना, अनअडोर्न बिना श्रृंगार किया हुआ, बिना बिना मेकअप किया हुआ, तो इसका मतलब सिंपल, सिंपल, ठीक। और कोर्स में क्या होता है, रूखा, जिसमें कोई तड़क भड़क ना हो, रूखा, सादा, ठीक, COARS होता है, और एक COURS होता है, वो कोर्स तो आपका सिलेबस होता है, लेकिन इसमें COA है, ये ध्यान रखना। एंटोनिम देखो, इसकी पॉलिश्ड है, पॉलिश मीनिंग किसी चीज को पॉलिश कर देते हैं, उसको चमका देते हैं। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मीनिंग उसकी ज्यादा तारीफ की गई है, प्रतिष्ठित है, उसको, उसका बहुत ज्यादा अडोर्न किया गया है, उसको बहुत ज्यादा उसकी तारीफ की गई है, डिग्निफाई किया गया है उसको, डिग्निटी होती है, डिग्निटी, डिग्निटी क्या होती है, प्रतिष्ठा, और डिग्निफाइड प्रतिष्ठित। स्वभाव, स्वभाविनी तो क्या होता है, स्वभाविनी होता है, स्वभाविनी होता है भाई, चतुर, चतुर होता है, ये सिंपल होता है, ये उसका उल्टा स्वभाव बोलेंगे, क्या इसको स्वभाव बोलेंगे। रिफाइंड क्या होता है, रिफाइंड भी नहीं, रिफाइंड तेल होता है, रिफाइंड तेल खाने में यूज करते हो, तो कई बार रिफाइंड करके, कई बार उसको परिष्कृत करके बाहर निकाला जाता है, कई कई बार उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको रिफाइंड किया जाता है, इसका मतलब तैयार किया हुआ, स्वभाव चतुर है, डिग्निफाइड, पॉलिश्ड। तो आज तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो गए, याद करने हैं सारे, SSC क्लियर करना है, CHSL और CGL, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंग्लिश में, गारंटेड इंग्लिश आ जाएगी। आज के लिए थैंक यू, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ऐसे वर्ड मीनिंग और कहीं नहीं मिलेगी।